तो फाइनली गाइस, जिस दिन का था इंतज़ार वो दिन फाइनली आ ही गया और आज काफ़ी डैड को मिस कर रहा हूँ। अगर डैड साथ में होते, अब्बू साथ में होते तो काफ़ी अब्बू को अच्छा लगता, बट कोई ना गाइस, अब्बू जहाँ पे भी है हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। और आप में से जितने भी भाई लोग हमारे शुभचिंतक हैं, भाई लोग बहन लोग, तो आपको भी थैंक यू सो मच जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर माई चाइल्ड, क्योंकि हम आज है दुनिया में, कल नहीं रहेंगे। उसी तरह से जैसे मेरे पेरेंट्स में मेरे अब्बू थे, अभी नहीं है, तो अगर भविष्य द फ्यूचर में हम नहीं रहेंगे ना, तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो हमारा जो चाइल्ड आ चुका है वो ये वीडियो देख के ज़रूर मुझे याद करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा, बड़े, मेला समिति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे एक नए वीडियो पर। सो गाइस, फिल्मिंग करने का यही अच्छा चीज़ है, कुछ भी हैप्पी मोमेंट हो या फिर सैड मोमेंट हो, जिसको आप रिलीव करना चाहते हो, फिर से देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, दिस वीडियोग्राफी इज़ फॉर डैट। काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आप कैप्चर करके रखो, बाद में जाके वो आप चीज़ देख सकते हो फ्यूचर में। सो चलो गाइस, फटाफट आज देखते हैं आज का दिन कैसा रहा मेरे लिए। नॉक नॉक नॉक, वेर आर यू, हैप्पी बर्थडे टुडे यू, एज 0, एकदम इस पेट की तरह गोल वाला 0 एज आज है। आओ बाहर आओ, बताते हैं तुमको कैसे बाइक चलाते हैं। अभी फिलहाल टाइम कितना हो चुका है, लेट मी शो यू द टाइम इज, कहाँ गया भाई, 6:13 टाइम हो चुका है। और ये रहा, देखो ना कितना क्यूट सा बैग है। वैसे तो मेरा चॉइस पिंक था, तो आपको पता ही चल गया होगा व्हाट आई वांट, बाकी ऊपर वाला जो दे उसमें खुश। ये देखिए पूरा एकदम बैग, क्यूट सा बैग, सारा तैयार हो चुका है। वी आर गेटिंग रेडी टू हेड टुवर्ड्स हॉस्पिटल राइट नाउ। और हॉस्पिटल में जाने के लिए गाइस देखो कितना सामान लगता है। सामान वामान लेके रेडी। ये देखो पहुंच चुके हॉस्पिटल। ये रहा लिफ्ट, 116 नंबर कमरा मिला। ये रहा फर्स्ट फ्लोर। क्या दुख 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 नहीं हुआ? चलो बाय बाय, टाइम आ गया। तो गाइस अभी खुशखबरी तो मिल चुका है, तो अभी बाहर आ चुके हैं, मिठाई वगैरह लेना है, सबको खिलाना है, कंपलसरी है, मुंह मीठा करना है। तो मुंह मीठा करने के लिए, मिठाई वगैरह लेने के लिए बाहर आए, फटाफट लेते उसके बाद फिर जाएंगे अंदर को। विश्वास ही नहीं हो रहा है, सारा बाप बन गए हैं। मिठाई लेने के लिए आए, अभी दुकान के बाहर बैठे हुए। ओहो फाइनली घर पहुंच गए एकदम। ये देखो रो रही है, देखो वेलकम 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 वेलकम। फाइनली गाइस वेलकम टू होम, वेलकम होम बेबी। थैंक यू सो मच बापुन भाई और फिजू भाई को, अपना जो बेलून वाले एक्सपर्ट है उनको, जो हमारे उस टाइम पे भी आए थे जब वो साथ हुआ बेबी शावर के टाइम में भी डेकोरेशन वगैरह किया था भाई लोगों ने। तो भाई लोग का पूरा प्रोफेशनल है, एकदम पूरा बना के रखे, बढ़िया बेबी है, इधर में बेबी है। खाने पीने का प्रोग्राम चालू घर में आके। बाकी आज
शॉर्ट्स काफ़ी लेना था, मतलब मेमोरीज वगैरह काफ़ी कुछ कुछ शॉर्ट करना था, वीडियो लेना था, बट एन मौके पे लोग नहीं मिले। चलो कोई ना, जितना भी हो सका मेरी तरफ से मैंने शूट करके सेव करके रखा था, उसी का मतलब थोड़ा बहुत झलक वगैरह आपको मैंने दिखा दिया है। बाकी घर आके बेबी जो है पहुंच चुका है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत मेडिकल चेकअप वेकअप जो होता है वो भी करवाया गया था, जैसे जॉन्डिस का करवाया गया था, उसमें भी ठीक ही है, रिपोर्ट नॉर्मल है। बाकी डॉक्टर्स को दिखाना है, वो सब अपॉइंटमेंट वगैरह भी फिक्स करवा लिया। तो गाइस, आज दिन का सारा कुछ जो है, थोड़ा बहुत जो मेरी तरफ से मुमकिन हो पाया वो सब मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमारे लिए दुआ किया था, हमारे फैमिली के लिए दुआ किया था, हमें उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आज डैड को काफ़ी मिस कर रहे थे, तो डेफिनेटली पापा जहाँ पे भी है, अबू जान जहाँ पे भी है, वहाँ से हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग भी मन से दिल से दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको अच्छी जगह में रखे, एंड वही बात है। बाकी बेबी तो काफ़ी हेल्दी है, वेट लगभग 3 किलो प्लस था, मैं 3.5 किलो के आसपास वेट था। बाकी मम्मी का हेल्थ भी ठीक है, यानी कि हमारे बेटर हाफ का हेल्थ भी ठीक है अभी। टाइप ऑफ डिलीवरी तो सीजरियन था, नॉर्मली नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस वगैरह, दवाई वगैरह, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, उसका भी फेस चालू हो चुका है। तो ये फेस के बाद भी आई होप आपको मैं प्रॉपर तरीके से बेबी को भी दिखा पाऊँगा। बाकी कॉमेंट सेक्शन में गेस करना, बॉय और गर्ल जो है वो कॉमेंट सेक्शन में आप गेस कर सकते हो। रेस गाइस, ये हैप्पी मोमेंट शेयर करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज का एक छोटा सा ब्लॉग, हैप्पी वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, स्पेशली फॉर द न्यू बॉर्न वन। बाकी ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले ब्लॉग में फटाक से। टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सपोर्ट किया आज तक, आपका दुआ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है। Thank you so much.